हेलो हेलो हेलो, बात कर रहे हैं राहुल सुधीर के बारे में। राहुल सुधीर की अगर बात करें तो इश्क में मर जावां सीजन 2 से जब से ऑफ एयर गया और जब से वहां से इन्होंने ब्रेक लिया है, वहां से हटे हैं, तब से लेकर खबरें आ रही हैं कि आखिर राहुल सुधीर कब आने वाले हैं, टीवी इंडस्ट्री में कमबैक कब करेंगे। जी हाँ, लाइव तो यूँ वो बहुत ही ज़्यादा करते रहते हैं अपने फैंस के साथ, बातचीत तो करते ही रहते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर बात करें तो फैंस उनको एक बार फिर से देखना चाहते हैं हेली शाह के अपोजिट। जी हाँ, इन दोनों की जोड़ी को फैंस काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इश्क में मर जावां सीज़न 2 से ये जोड़ी रिधिमा और वंश के कैरेक्टर से जो फेमस हुई है ना, जो लोगों के दिलों में आग लगाई है, उसका कहना ही क्या है। यही वजह है कि फैंस लगातार इस जोड़ी को मिस कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इस जोड़ी को फिर से वापस आना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो हेली शाह से पहले भी राहुल सुधीर एक फेमस एक्ट्रेस के साथ नजर आ चुके हैं, आप जानते ही होंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं निया शर्मा के बारे में। निया शर्मा को कौन नहीं जानता है, अपने बोल्डनेस अंदाज में नजर आती ही रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी बनी रहती हैं। राहुल सुधीर की को-स्टार रह चुकी हैं निया शर्मा, जो कि हेली शाह से पहले रह चुकी हैं। जी हाँ, वेब सीरीज में दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। यहाँ पर जोड़ी इन लोगों की पसंद की गई थी, दोनों काफ़ी बेस्ट फ्रेंड हैं। खबरें ये भी आ रही थी कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, दोनों की अफेयर चल रहा है। जी हाँ, इस तरीके की खबरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। बता दें आपको, इनमें कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता, हो सकता दोनों का अफेयर चल रहा हो, लेकिन ये तो बात की बात है। अगर बात करें, दोनों का एक डेली शो पाना चाहिए, वेब सीरीज में तो नज़र आ चुके हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों का डेली शो ज़रूर आना चाहिए। अगर निया शर्मा को भी देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से वो डेली शो से ब्रेक लिए रखे हैं। जी हाँ, जमाए राजा में रोशनी के कैरेक्टर से घर घर में फेमस हुई, इसके अलावा मानवी के कैरेक्टर से तो हर कोई उन्हें जानता ही होगा। फिर यहाँ हम बात करें, अगर जमाई राजा का 2.0 यानी सीज़न 2 आया था, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर आया, तो OTT प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर चुकी हैं निया शर्मा, लेकिन फैंस उनको मिस कर रहे हैं, उनको एक डेली शो में देखना चाहते हैं। तो उनके अपोजिट राहुल सुधीर से अच्छा ऑप्शन फिलहाल के लिए तो कोई नहीं होगा। रवि दुबे की अगर बात करें तो उनकी जोड़ी तो हमेशा से ही पॉपुलर रही ही है, लेकिन रवि दुबे फिलहाल के लिए अपने अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल सुधीर और निया शर्मा की जोड़ी को लोग देखना चाहते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा किसे देखना चाहते हैं, राहुल सुधीर के अपोजिट किसे देखना चाहते हैं और निया शर्मा किसके अपोजिट नज़र आनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। डेफिनेटली वियांस के फैंस की अगर बात करें तो वो हेली शाह को ही देखना चाहेंगे राहुल के अपोजिट, लेकिन अगर निया शर्मा की बात करें तो अच्छा ऑप्शन रहेगा मेकर्स के लिए। जी हाँ, अगर वो इनको कास्ट करके लाते हैं डेफिनेटली शो की TRP काफ़ी हाई आएगी। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अपनी एक्साइटमेंट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।